जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट के भोपाल और सीहोर दफ्तर में आज ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी। जय श्री गायत्री फूड के 5 ठिकानों पर सुबह 5 बजे छापेमारी की कार्रवाई हुई। सीहोर के बल्कि अभी जारी है गांव में ईओडब्ल्यू की टीम ने 20 सदस्यीय टीम ने सुबह से ही कागजात और फैक्ट्री की जांच कर रही है। जांच में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। कुछ दिन पहले ही फैक्ट्री को सील किया गया। जयश्री गायत्री फूड पर फर्जी तरीके से डेयरी फूड प्रोडक्ट विदेश भेजने का आरोप है। बता दें कि जयश्री गायत्री फूड में रोजाना 4 लाख लीटर दूध, 25 मीट्रिक टन पनीर और 30 मीट्रिक टन बटर और 20 मीट्रिक टन चीज की प्रोसेसिंग होती है। 3000 मीट्रिक टन डेयरी प्रोडक्ट हर महीने 27 देशों में भेजे जाते हैं। मध्य प्रदेश की ईओडब्ल्यू ने जयश्री गायत्री प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की है। अरेरा कॉलोनी के अलावा इनकी फैक्ट्री में भी छापेमारी की गई है। सीहोर रोड पर इनकी फैक्ट्री है, वहां पर भी छापेमारी की गई है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये अरेरा कॉलोनी का ये इनका एक ठिकाना है जहाँ पर ईओडब्ल्यू की फिलहाल कार्रवाई चल रही है। मिल्क मैजिक इनका बड़ा ब्रांड है, JGF हाउस इनके इस समय इस प्रतिष्ठान का नाम है जहाँ पर इस वक्त ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही है। और पूरी टीमें सुबह 5 बजे से ही इनके तमाम ठिकानों पर रेड कर रही है, कागज़ों की जांच कर रही है किस तरीके से इन्होंने चोरी की है। दरअसल इनको ईओडब्ल्यू को ये शिकायत मिली है कि यहाँ से प्रोडक्ट जो है डेयरी प्रोडक्ट को गलत तरीके से विदेशों में भेजा गया है। और जो जानकारी सरकार को या कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को या दूसरे डिपार्टमेंट को देनी चाहिए थी वो जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल मैं इनके प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो इनका मिल्क मैजिक एक बड़ा प्रोडक्ट है और जयश्री गायत्री प्राइवेट लिमिटेड जो इनका संस्थान है वो जो ये दावा कर रहा है वो 4 लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रोसेसिंग पर डे करता है और 25 मीट्रिक टन पनीर का प्रोसेसिंग पर डे करता है, 30 मीट्रिक टन बटर का प्रोसेसिंग रोज़ करता है, 20 मीट्रिक टन चीज़ वेरिएंट्स का प्रोसेसिंग रोज़ करता है और 27 देशों में इनके प्रोडक्ट जाते हैं। 3000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट ये लोग हर महीने करते हैं। तो इसी आधार पर आज ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है। फिलहाल सर्च लगातार जारी है और अंदर ईओडब्ल्यू की टीम है जो कागज़ों की पड़ताल कर रही है। 5 ठिकानों पर दबिश दी गई है। बड़ा ब्रांड है और दुनिया के 27 देशों में इनके प्रोडक्ट जाते हैं। हज़ारों लाखों मीट्रिक टन डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो जाहिर है ईओडब्ल्यू अभी पड़ताल कर रही है, कुछ देर बाद साफ होगा या देर शाम तक साफ होगा कि कितनी गड़बड़ियां इनके ठिकानों से पाई गई हैं। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।